जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के हवाले से ये हमारा आज का 6th लेक्चर है। आज के लेक्चर में मैं सीवीपी एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराऊंगा। मैंने गैरिसन नरीन के 15th एडिशन में से दो प्रॉब्लम्स सिलेक्ट किए हैं आज के लेक्चर के हवाले से, जिसमें मैं आप लोगों को ब्रेक इवन एनालिसिस की कैलकुलेशंस फार्मूला और इक्वेशन मेथड के जरिए से कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की कैलकुलेशन प्लस इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के हवाले से बात करूंगा, प्लस हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर के इम्पैक्ट ऑन ब्रेक इवन एनालिसिस और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मेरी वीडियोस ऑलरेडी लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं, मेरे चैनल पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हर आने वाली एक्टिविटी का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये तमाम टॉपिक्स को रिवाइज करना है तो आप मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। मैं आज के लेक्चर में भी उन तमाम कॉन्सेप्ट को ब्रीफली रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर लें और फिर हम लोग उसकी हर एक रिक्वायरमेंट को लेके आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे तो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं और हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो किस तरीके से हल कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जी स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम 525 है बेसिक्स ऑफ सीवीपी एनालिसिस और क्रॉस स्ट्रक्चर के ऊपर। ड्यू टू एरेटिक सेल्स ऑफ द सोल प्रोडक्ट अ हाई कैपेसिटी बैटरी फॉर लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये उनकी प्रोडक्ट है, PEM Incorporation has been experiencing difficulty for some time, कुछ अरसे से उनको अपनी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से कुछ डिफिकल्टीज हैं। The company's contribution format income statement for the most recent month is given below, जो उनकी जो most recent month की जो थी वो एक contribution format income statement हमें दी गई है जिसमें उनकी sales बताई गई हैं कि 19,500 जो है वो उनके units हैं और 30 पर यूनिट उनकी प्राइस है और टोटल उनका जो रेवेन्यू बनता है वो है 5,85,000। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है उनके हैं 4,09,500 के और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो वो होता है 1,75,500 का। फिक्स्ड एक्सपेंसेस उनके 1,80,000 के हैं और नेट ऑपरेटिंग लॉस उनको आ रहा है $4,500 का। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमें उन्होंने दी हुई कि हमने CM रेशो, कंपनी का CM रेशो कैलकुलेट करना है और उसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन यूनिट्स सेल्स में और इन डॉलर्स सेल्स के अंदर। तो हम सबसे पहले ये चीज कैलकुलेट करने के लिए मैं आपके साथ जो है वो व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं तो हम लोग ये देखते हैं कि ये हम किस तरीके से करेंगे। जी हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर वन के लिए क्या है, सबसे पहले हमने सी एम रेशो कैलकुलेट करनी है। सी एम रेशो का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, टोटल सी एम डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। हमारे क्वेश्चन में गिवन है जी हमारा टोटल सी एम 1,75,500, ये हमें गिवन है और उसके साथ हमें टोटल सेल्स भी गिवन है 5,85,000 की। जब हम लोगों ने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.3 विच इज इक्वल टू 30%। हम ये कह सकते हैं कि हमारा 30% क्या है, सी एम रेशो है। दूसरा सी एम रेशो का जो सेकंड फॉर्मूला हो सकता है वो हम पर यूनिट के साथ भी ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हमारे पास सी एम पर यूनिट अगर है या अगर नहीं है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में दैट इज 30। अब वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन नहीं है
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर हमने निकालनी है तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमें दी गई है दैट इज 409,500 और टोटल यूनिट्स हमें दिए गए हैं दैट इज 19,500। इस तरीके से हमने ये कहा कि हमारी पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है दैट इज $21 पर यूनिट। इसी को ही हम यहां पे पुट कर लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय हम सेलिंग प्राइस 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 / 30 विच इज इक्वल टू 0.3 एंड विच इज इक्वल टू 30%। इस तरीके से भी हम लोग इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अच्छा इसको अगर आप लोग प्रेजेंटेशन में करना चाह रहे हैं तो आप इसकी इस तरीके से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये टोटल आ गया, ये पर यूनिट आ गया, यूनिट पर यूनिट आ गया और फिर यहां पे आप क्या कर सकते हो परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये तीन कॉलम बना के भी कर सकते हो। सबसे पहले आप सेल्स लिख लेते हो, सेल्स है आपके पास 5,85,000 की, ओके, और पर यूनिट सेल है $30 की और ये परसेंटेज ऑफ सेल हमेशा 100% रहेगा, ये हमारे पास जो है वो हमेशा 100% होगा। फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है हमारे पास 409,500 की और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जैसे मैंने भी आपको यहां पे कैलकुलेट किया है दैट इज 21 और उस लिहाज से हमने ये कहा कि इसकी जो कितने परसेंट बनता है तो ये है बेसिकली 70% बन जाएगा ये इसका। जब आप लोग 409,000 को डिवाइड करोगे 585,000 के ऊपर तो ये 70% बन जाएगा। इसके बाद इसमें से कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका कितना है तो ये हमने कहा जी 1,75,500 इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और इसका जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट इज 9 और इसको भी हम लोग देखें तो ये भी इसका क्या आ जाता है 30%। इन दिस वे आप इस टेबल को भी यूज करके क्या कर सकते हो वही वाली कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहां पे आपको पर यूनिट कैलकुलेशंस करने का समझाया है। अब इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट जो है इसी रिक्वायरमेंट के अंदर हमने कहा जी कि हमने ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स निकालना है। ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, एक है इक्वेशन मेथड और एक है हमारे पास फॉर्मूला मेथड। अगर मैं फॉर्मूला की बात करता हूं तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये उसका फॉर्मूला है सेल्स यूनिट्स निकालने का। फिक्स्ड कॉस्ट है जी 180,000 दैट इज गिवन इन माय क्वेश्चन और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैंने अभी कैलकुलेट किया है दैट इज 9। इसको जब मैंने किया तो ये 20,000 यूनिट्स जो हैं ये मेरे पास आ गए कि भाई वो इतने यूनिट बेचेंगे तो ना उनको प्रॉफिट होगा ना उनको लॉस होगा। अब अगर यही मैंने निकालना है इक्वेशन मेथड के जरिए ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स, इसके लिए इक्वेशन मेथड, अगर मैंने इक्वेशन मेथड में करना है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये मेरे पास फॉर्मूला है। ब्रेक इवन के ऊपर प्रॉफिट जीरो होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू इज द क्वांटिटी एट ब्रेक इवन या क्वांटिटी यूनिट सोल्ड और फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज 180,000। अब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 9 मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस 180,000 इज इक्वल टू जीरो। जब 180,000 इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा 180,000 इज इक्वल टू 9Q एंड क्यू इज इक्वल टू 180,000 डिवाइडेड बाय 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 20,000 यूनिट्स। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूं। अब इसके बाद मैंने कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स, इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ये है जी फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइडेड बाय सी एम परसेंटेज रेशो। अब फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 180,000 की और सी एम रेशो है 0.3 मीन 30%। जब मैं इसको कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 6 लाख। 6 लाख का अगर मैं रेवेन्यू कमाऊंगा तो मैं ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊंगा। दूसरा शॉर्ट वे क्या है कि ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स कैलकुलेट करने के लिए ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर दूंगा। तो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं जी 20,000, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस है 30, और जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उसी तरीके से क्या आ जाएगा मेरे पास 6 लाख का रेवेन्यू आ जाएगा। इन दिस वे आई कैन कैलकुलेट माय ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एज वेल एज इन डॉलर्स। तो ये मेरे पास जो है वो दो तरीके हैं ब्रेक इवन को कैलकुलेट करने के। अब मैं आपके साथ जो है वो फिर क्वेश्चन शेयर करता हूं, हम देखेंगे कि दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है द प्रेसिडेंट बिलीव्स दैट 16,000 इंक्रीज इन मंथली एडवर्टाइजिंग बजट। 16,000 मंथली एडवर्टाइजिंग बजट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, दिस विल रिजल्ट एन इन 80,000 इंक्रीज इन मंथली सेल्स। मंथली सेल्स में 80,000 की इंक्रीज आ जाएगी। अगर तो प्रेसिडेंट राइट है तो हमें फिर उनकी जो है वो कंपनीज नेट ऑपरेटिंग इनकम या लॉस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन कंपनीज नेट ऑपरेटिंग इनकम और लॉस। यूज द इंक्रीमेंटल अप्रोच इन प्रिपेयरिंग योर आंसर। हमने इंक्रीमेंटल अप्रोच जो है वो यूज करनी है अपने सवाल का जवाब देने के लिए। अब मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं इसके सोल्यूशन के लिए, आप देखें जरा प्लीज। तो इसके बाद हमने कहा जी ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 है। नंबर 2 में हमने ये कहा कि सबसे पहले हमने ये कहा जी कि इंक्रीमेंटल सेल्स कितनी है जी। इंक्रीमेंटल सेल्स हैं जी 80,000 की, ये मीन इतने हमारे पास जो है वो सेल बढ़ जाएगी और उसका फिर इसी और सी एम रेशो क्या है, कंपनी की सी एम रेशो है जी 30%। 30% उनका सीएम रेशो है। तो अब उसके बाद इंक्रीमेंटल सीएम क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा। तो 80,000 का 30% मीन उनका इंक्रीमेंटल जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, वो है हमारे पास जो है जी 24,000। मीन इसका मतलब क्या है कि 24,000 उनका जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज सॉरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज कर जाएगा। अब इसके बाद हम कर लेते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है उन्होंने कहा जी कि वो 16,000 है जो वो एडवर्टीजमेंट करेंगे। जब मैंने इन दोनों का फर्क लिया तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आएगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन उनका इतना है, इंक्रीमेंटल उनकी कॉस्ट इतनी है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज 8,000 उनके पास क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले क्या है कि करंट प्रॉफिट कितना था, करंट प्रॉफिट या लॉस कितना है कंपनी का। ओके, इस वक्त कंपनी का 4500 का क्या है, लॉस है। अब इसमें से इसमें हम लोग ऐड कर देंगे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, जो उनका इस डिसीजन से प्रॉफिट बढ़ रहा है दैट इज 8,000। और हम लोगों ने जब दैट इज 8,000 और जब हम लोगों ने इसको माइनस किया सॉरी प्लस किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3500। मीन अगर वो ये वाला काम करते हैं कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर दिस डिसीजन, ये डिसीजन करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होगा या नेट बॉटम लाइन होगी वो क्या होगी, वो उनका 3500 का प्रॉफिट शो हो जाएगा।
इस तरीके से इस जो डिसीजन है या जो उनकी प्रपोजल है उसका जो नेट इंपैक्ट आएगा वो इस तरीके से 3500 प्रॉफिट शो होगा उस कंपनी के लिए। अब हम लोग इससे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 3, रेफर टू द ओरिजिनल डाटा। द सेल्स मैनेजर इज कन्विंस्ड दैट 10% आर 10% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में 10% रिडक्शन ले आए कंबाइंड विद एन इंक्रीज इन मंथली बजट, 60,000 का हम एडवर्टाइजिंग बजट भी इंक्रीज कर दें, विल डबल यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। इसकी वजह से, इस डिसीजन की वजह से हमारी जो यूनिट सेल्स हैं वो डबल हो जाएंगी। विल, व्हाट विल बी द न्यू कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट आफ्टर दीज चेंजेस आर अडॉप्टेड। ये चेंजेस अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो नई इनकम स्टेटमेंट क्या होगी। तो नई इनकम स्टेटमेंट मैं आपके साथ जो है वो व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं, हम लोग उस पर नई इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है जी डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद ये है जी डॉलर साइन एंड डॉलर साइन, मैं 2 कॉलम्स बना लेता हूं। सबसे पहले हमने लिखना जी सेल्स। अब सेल्स में हमने ये कहा कि यहां पे मैं कुछ वर्किंग शो कर लेता हूं। ओरिजिनल सेल्स उनकी यूनिट्स कितने थे, ओरिजिनल सेल्स यूनिट्स थे उनके 19,500। अब इस डिसीजन से न्यू यूनिट्स कितने हो जाएंगे उनके, दैट वुड बी डबल्ड, 19,500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसके मतलब ये का ये आ जाएगा 39,000। अब उनके नए यूनिट्स बन जाएंगे 39,000, तो सेल्स आ जाएंगी उनकी 39,000 और मल्टीप्लाई बाय, अब न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस क्या थी उनकी, प्राइस वॉज 30 एंड न्यू प्राइस क्या है उनकी, 10% रिडक्शन है, तो 30 का 10% अगर कम कर दें तो इनटू मल्टीप्लाई बाय 90% आप कर देंगे तो ये आ जाएगी 27। तो उनकी जो नई प्राइस है दैट इज 27। ये कैसे आई है ये मैंने आप लोगों को यहां पे बताया कि 30 उनकी ओरिजिनल प्राइस थी, 10% उन्होंने रिड्यूस कर दी तो बाकी रह गई 90%। तो 30 का 10% अगर आप 30 में से माइनस करें तो फिर भी 27 आता है, तो ये 90% अगर आप डायरेक्ट ले लेंगे तो ये आपके पास 27 आ जाएगा। तो मैं इसको 27 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास नई सेल्स आ जाएंगी, दैट वॉज 10,53,000। मैं कहता हूं जी 10,53,000 की उनके पास सेल्स आ गई। इसमें से मैं क्या करूंगा, लेस वेरिएबल कॉस्ट्स। अब वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए यूनिट्स वही 39,000 जो इंक्रीज्ड हैं, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो हम लोगों ने शुरू में कैलकुलेट की थी दैट इज 21। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगी 8,19,000। 8,19,000 की उनकी वेरिएबल कॉस्ट है। जब हमने इसको इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास क्या आया, ये है हमारे पास 2,34,000। 2,34,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें से किया लेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपने इसमें से लेस किए, दैट वाज 1,80,000 के ओरिजिनल फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे और नए हमने ये कहा कि 60,000 की मजीद आपको क्या करना पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगी। तो ये 2,40,000 की क्या आ जाएगा, इसकी नई फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। जब दोनों को हमने ऐड किया, 1,80,000 उनकी शुरू में थी, 60,000 मजीद उन्होंने कहा जी इसको इंक्रीज कर दें, तो इस तरीके से 2,40,000 आ गया। जब हमने इसको इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास नेट इंपैक्ट आ गया जी 6,000 का। ये वाला डिसीजन अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये यहाँ पे न्यू प्रॉफिट और लॉस, नया प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा ये हमारे पास। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस डिसीजन को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इस प्रॉफिट इस
10% रिडक्शन इन प्राइस और 60% एडवर्टीजमेंट को बढ़ाने से जो उसकी सेल्स डबल हो रही हैं उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो उस तरीके से हमने एक नई इनकम स्टेटमेंट बना ली और उसका रिजल्ट क्या आता है, दैट इज 6,000 लॉस आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन, क्योंकि इसकी वजह से हमारी ओवरऑल बॉटम लाइन जो है वो लॉस में चली गई है। अब हम रिक्वायरमेंट नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में हमें यह कहा जा रहा है, रेफर टू द ओरिजिनल डेटा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट थिंक्स अ फैंसी न्यू पैकेजिंग फॉर द लैपटॉप कंप्यूटर बैटरी वुड हेल्प सेल्स। वो कहता है जी अब नई पैकिंग जो है वो अगर हम लोग कर लें तो ये हमारी सेल्स को बढ़ा सकती हैं। द न्यू पैकेज वुड इंक्रीज पैकिंग कॉस्ट बाय 75 सेंट्स पर यूनिट। जो नई पैकिंग है वो उससे पैकिंग कॉस्ट 75 सेंट्स पर यूनिट बढ़ जाएगी, $0.75। अज्यूमिंग नो अदर चेंजेस, हाउ मेनी यूनिट्स वुड हैव टू बी सोल्ड ईच मंथ टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 9,750। इतना प्रॉफिट कमाने के लिए बाकी सब चीजें सेम रहें तो हमें कितने यूनिट बेचना पड़ेंगे। तो ये समझिए ये टारगेट प्रॉफिट की एग्जाम्पल है। तो हम लोग इसको करने के लिए मैं आपके साथ जो है वो बोर्ड शेयर करता हूं, आप देखिएगा प्लीज। ये रिक्वायरमेंट नंबर 4 आ गई हमारे पास। नंबर 4 में हमने चूंकि टारगेट यूनिट मालूम करने हैं तो सबसे पहले आप इक्वेशन वही वाली जो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सीएम माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अगर हम लोग ये वाली इक्वेशन लेते हैं। अब चूंकि हमने ये कहा जी प्रॉफिट हमें कितना चाहिए 9,750 का, ये प्रॉफिट हमारा टारगेट प्रॉफिट है। और हमने ये कहा जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है, दैट इज सेलिंग प्राइस, सॉरी मैं इसको कह लेता हूं जी के प्रॉफिट इज इक्वल टू पीएम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके अब हम ये कहते हैं जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है, सी एम पर यूनिट, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस तो थी जी 30, अब वेरिएबल कॉस्ट पहले थी हमारे पास 21, अब इसमें मजीद इजाफा हो गया है 0.75 का, मीन 75 सेंट्स उसकी ये बढ़ गई है। तो ये आ जाएगी जी 30 माइनस 21.75, तो इसको जब हम लोगों ने किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8.25 पर यूनिट। हमें अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना मिल रहा है 8.25, तो 8.25 मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस फिक्स कॉस्ट हमारी उतनी ही है 1,80,000 की, जो ओरिजिनल डाटा था उसी के मुताबिक। अब मैंने इसको ये जो फिगर है 1,80,000 ये दूसरी साइड पे चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 9,750 प्लस 1,80,000, तो ये बराबर आ जाएगा 8.25 इंटू क्यू। ओके अब इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 1,89,750, 189,750 इज इक्वल टू 8.25 इंटू क्यू, एंड क्यू इज इक्वल टू 189,750 डिवाइडेड बाई 8.25। जब हमने इसको सॉल्व किया देन क्यू इज इक्वल टू 23,000 यूनिट्स अगर वो बेचेंगे, किस सूरत में, जब उनकी ये पैकिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उस पैकिंग कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए और इतना प्रॉफिट कमाने के लिए उनको कितने यूनिट बेचना पड़ेंगे, 23,000। सो 23,000 यूनिट्स जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। अब ये तो इक्वेशन मेथड था, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है, आप फॉर्मूला के जरिए से भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या है जी यूनिट्स, टारगेट यूनिट्स is equal to target profit plus fixed cost divided by CM per unit। ये जो हमने target का profit का formula पढ़ा था, target profit है 9,750 plus
वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है 1,80,000 डिवाइडेड बाय जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट था, ये उसकी वही वाली कैलकुलेशन है जो मैंने यहां पे आपको शो कराई है, तो ये इसकी वर्किंग है। तो ये आ जाता है जी 8.25। जब हम लोगों ने इसको किया तो इसके मुताबिक ये बेसिकली टारगेट यूनिट्स हैं। तो टारगेट यूनिट्स इज इक्वल टू, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वही 23,000 की फिगर हमारे पास टारगेट यूनिट्स ही आ गई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दोनों मेथड्स को यूज करके आप अपने टारगेट यूनिट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट आर 23,000। अब उसके बाद हम रिक्वायरमेंट नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। नंबर 5 हमारे पास क्या है, रेफर टू द ओरिजिनल डाटा बाय ऑटोमेटिंग द कंपनी कुड रिड्यूस वेरिएबल एक्सपेंसेस बाय 3 पर यूनिट। वो कुछ ऑटोमेशन के जरिए से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हाउएवर फिक्स्ड एक्सपेंसेस वुड इंक्रीज बाय 72,000, लेकिन उनका जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे वो 72,000 से इंक्रीज कर जाएंगे। कंप्यूट द न्यू CM रेशियो एंड द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन बोथ यूनिट सेल्स एंड डॉलर्स। हमने नई तीनों चीजें हमने जो है वो नई कैलकुलेट करनी है बाय अकोमोडेटिंग दिस चेंज। अज्यूम दैट द कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल 26,000 यूनिट्स नेक्स्ट मंथ, और अगले महीने उनकी जो कंपनी है वो 26,000 यूनिट्स जो है वो बेच सकती है। प्रिपेयर टू कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट्स, वन अज्यूमिंग दैट ऑपरेशंस आर नॉट ऑटोमेटेड एंड द वन अज्यूमिंग दैट दे आर। दो हमने दो कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट्स बनानी है, नंबर वन के जिसमें वो ऑटोमेशन कर दें और दूसरे तरीके में जिसमें वो ऑटोमेशन नहीं करें। तो दोनों तरीकों से शो डाटा एज अ पर यूनिट एंड परसेंटेज बेसिस एज वेल इन द टोटल फॉर ईच अल्टरनेटिव। हर अल्टरनेटिव के लिए आपने दोनों तरह से फिगर्स जो है वो शो करनी है, जिसमें टोटल भी है और पर यूनिट भी और परसेंटेज के अंदर भी। तो चलें जी हम लोग सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 5A है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन शेयर करने के लिए मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं। आप देखें जी नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास और 5 में से भी ए पार्ट है। तो ए पार्ट के लिए हमने क्या करना है जी के न्यू CM रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो न्यू CM रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, आप इसको पर यूनिट की फिगर हम देख लेते हैं कि पर यूनिट के साथ किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा जी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है 30, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास जो है वो पहले थी 21, ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 21, न्यू कितनी है या इस तरह से कह लें कि डिक्रीज कितनी हुई है, डिक्रीज है जी 3 की, और अब कितनी है, न्यू कितनी आ गई 18। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 30 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस लिहाज से हमारे पास आ जाएगा जी 12 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ गया जी 40%। इनकी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है वो अब चेंज हो जाएगी, वो जो है वो 30% से इंक्रीज करके 40% हो जाएगी। अगर हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को $3 पर यूनिट रिड्यूस कर देते हैं और उस तरह से हमारे पास जो है वो ये एक नई जो है वो CM रेशियो बन जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि इसका ब्रेक इवन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं जी न्यू ब्रेक इवन यूनिट्स। मैं यहां पे सिर्फ फॉर्मूला मेथड यूज करूंगा। फॉर्मूला मेथड में हम लोग करते हैं जी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी जी, वो हम लोगों ने कहा जी पहले थी 1,80,000 की, प्लस ऑटोमेशन की जो कॉस्ट थी 72,000, वो हमने ऑटोमेशन की थी, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं जी के पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट वाज 12। तो उस लिहाज से हमारे पास जो है वो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास टोटल, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा जी 252,000 180 प्लस 72
18 और 7 25, हाँ 252,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा जी 21,000 यूनिट्स जो हैं वो हमें बेचना पड़ेंगे फॉर ब्रेक इवन। मीन आप देखें अगर गौर से तो उनका इस दोनों काम करने से क्या हुआ है कि उनका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 20,000 से 21,000 हो गया है। उसकी वजह यह है कि उनकी जो वेरिएबल कॉस्ट थी जिसकी वजह से उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 9 से बढ़ के 12 हो गया, और उसके मुकाबले में जो उनकी फिक्स कॉस्ट थी वो ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा रेशो से बढ़ी, जिसकी वजह से उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन जो 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 है वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर गया है। ऑल्दो उनकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो उसकी वजह से भी ब्रेक इवन इंक्रीज करेगा, दूसरी तरफ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन उनका भी इंक्रीज कर रहा है उसकी वजह से जो ब्रेक इवन कम होना चाहिए, लेकिन इसका जो न्यूमिरेटर का फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज कर गया है। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, न्यू ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स में, तो उसकी सिंपल क्या है जी के ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, तो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं 21,000 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस इज 30, तो 21,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630,000 की ये रेवेन्यू उनको कमाना पड़ेगा फॉर अचीविंग द ब्रेक इवन। दूसरी तरह से इसकी कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स फॉर्मूला मेथड यूज कर लें जिसमें फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज रेशो। फिक्स कॉस्ट आती है जी जैसे 180,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाय 0.4 जो नई रेशो है, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 252,000 आ गया, 252,000 को हमने 0.4 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 630,000 की हमें उसी तरीके से सेल्स मिल जाएंगी। तो ये भी एक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हम लोगों ने लास्ट जो रिक्वायरमेंट है उसकी उसको हम देख लेते हैं कि लास्ट रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने इसको हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी थी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए यहां पे करता हूं जी डिस्क्रिप्शन, ये नंबर 5 और 5B पार्ट है जी ये हमारे पास, ठीक है डिस्क्रिप्शन है। तो यहां पे हम कहते हैं जी नॉट ऑटोमेटेड, और यहां पे मैं लिख देता हूं ऑटोमेटेड, ये मैंने दो ऑप्शंस बना ली और दरमियान में मैं इसकी जो है वो लाइन लगा लेता हूं। ओके, सबसे पहले मैंने लिखना है जी सेल्स। अब सेल्स क्या है, उन्होंने कहा जी कि ये 26,000 यूनिट्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं, 26,000 यूनिट्स के लिए जो टोटल इनकी जो है सेल्स आती है यहां पे टोटल यूनिट एंड परसेंटेज तीन कॉलम बनाने हैं, टोटल ये यूनिट और परसेंटेज ये हमने तीन कॉलम बनाने हैं। ओके जी, 26,000 उनके टोटल यूनिट्स हैं और 30 एट द रेट सेल्स एट द रेट 30 पर यूनिट, तो 26,000 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी 780,000 का हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। पर यूनिट सेलिंग प्राइस इज 30 और ये हमेशा मैंने कहा जी सेल्स 100% होती है। इसी तरीके से हमने यहां पे भी कर दिया 780,000 का टोटल आ गया, उसका यूनिट है 30 और परसेंटेज इसकी भी 100 आ गई। उसके बाद आ जाए जी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इस केस के अंदर जब हम लोगों ने ऑटोमेशन नहीं की तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट थी 21, दूसरी सूरत में हमने जब ऑटोमेशन की तो तब है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 18। हमने जब 21 के साथ मल्टीप्लाई किया 26,000 यूनिट्स को तो ये आ जाएगा हमारे पास 546,000 की वेरिएबल कॉस्ट, और ये 21 पर यूनिट है और इसकी जो परसेंटेज बनती है दैट इज 70% जो हमारे पास रेशियो थी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स की। इसी लिहाज से अगर हम लोग 18 पर यूनिट करते हैं 18
तो 18 को जब हम लोगों ने 26,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 4,68,000 की हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और ये बनती है जी 60%। ये क्यों 60% बनती है? क्योंकि हमने कहा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% है, तो ये फिर 60% बनेगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 18 डिवाइडेड बाय 30 करके आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 60% बनता है। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों का जो फर्क आ गया दैट इज 40%, इसको मैं यहां पे कर दूंगा, और इन दोनों का जो फर्क है दैट इज 30%, इसको भी मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया। ये आ जाएगा मेरे पास 9 पर यूनिट, इसको भी मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया। ये मेरे पास आ जाएगा जी 12 पर यूनिट, ये मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया, और इसके मुताबिक इसका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता है 2,34,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और इस केस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता है 3,12,000 का। अब इसमें से मैं लेस कर लेता हूं क्या है जी फिक्स्ड कॉस्ट। इस सिचुएशन में मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 1,80,000 की, और इस सिचुएशन में मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 2,52,000 की। ये मुझे गिवन है मेरे एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में। यहां पे मैं आ जाता हूं जी नेट इनकम, यहां पे मेरे पास नेट इनकम आती है जी 54,000 की, ओके। और इस सिचुएशन में मेरे पास नेट इनकम आती है जी 60,000 की। अब आप अगर इसको कंपैरिजन में लेके आते हैं तो यहां पे हमारे पास जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो हमने बना ली है कि अगर हम ऑटोमेट नहीं करें तो हमारी इनकम स्टेटमेंट क्या बनेगी, और अगर हम ऑटोमेट कर लेते हैं तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट क्या बनेगी, और हमने जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट दी गई थी उसके मुताबिक हम लोगों ने इसको जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी पॉइंट सी की, 5C, व्हाट शुड द कंपनी डू। तो नंबर वन, अगर वो ऑटोमेशन करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट है दैट इज इफ ऑटोमेटेड, द प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 6,000। 6,000 की अमाउंट से उनका प्रॉफिट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, उनका ऑटोमेटेड के ऊपर प्रॉफिट था 60,000 का, और विदाउट ऑटोमेशन उनका प्रॉफिट है 54,000 का, और जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि उनका प्रॉफिट जो है वो 6,000 से ज्यादा है व्हेन इट इज ऑटोमेटेड, ओके। नंबर सेकंड पॉइंट इज दिस मींस ऑटोमेशन इज गुड एंड शुड बी अडॉप्टेड। ऑटोमेशन जो है वो ठीक है और उसको अडॉप्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क कंपनी वॉन्ट टू टेक, ये कंपनी कितना रिस्क लेना चाह रही है। अगर तो ड्रॉप कर जाती है, ऑटोमेशन भी कर लेते हैं और उनकी सेल्स जो है वो ड्रॉप भी कर जाती है, तो फिर उस सूरत में उनको लॉस होने का भी खतरा हो सकता है। इफ सेल्स ड्रॉप टू 19,500 लेवल देन देयर विल बी मोर लॉस, फिर उनको ज्यादा लॉस होगा और ज्यादा उनको जो है वो लॉस बियर करना पड़ेगा अगर उनकी जो है वो ये क्या हो सकती है अगर चेंज हो जाती है। लेकिन जो जब वो ये वाली बात करते हैं कि उनको करना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि दिस डिसीजन क्या कर रहा है उनका, हैज इंक्रीज्ड देयर CM रेशो From 30% to 40%, इससे इनकी रेशियो बढ़ गई है। This means that after break even,
their profit will increase rapidly. उनका प्रॉफिट रैपिडली बढ़ेगा. ऑल्दो इस डिसीजन की वजह से, ड्यू टू दिस डिसीजन, देयर ब्रेक इवन हैज इंक्रीज्ड. ऑल्दो उनका ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज कर गया है. पहले 20,000 था, from 20,000 to 21,000, 20,000 से उनका ब्रेक इवन 21,000 पे चला गया है. लेकिन फिर भी उनको उनका ओवरऑल चूंकि प्रॉफिट बढ़ गया है, बढ़ सकता है 6,000 के लेवल के ऊपर, और उसी लिहाज से ही उनका चूंकि सीएम रेशियो पहले 30% थी, अब उनकी 40% हो गई है, और वो 40% होने की वजह से उनका ऑल्दो ब्रेक इवन इंक्रीज कर गया है, लेकिन जब भी वो ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे तो फिर उनका जो प्रॉफिट होगा वो एकदम से ज्यादा रैपिडली इंक्रीज करेगा, क्योंकि उनका हर यूनिट के ऊपर जो है वो 40% जो है वो उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, और उस वजह से उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा प्रॉफिट की सूरत में, जब वो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर चले जाएंगे. अगर उनकी सेल्स ड्रॉप करती हैं, ये उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है कि अगर उनकी सेल्स ड्रॉप करती हैं तो ऑफ कोर्स उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी या प्रॉफिट होगा वो भी कम भी हो जाएगा, और अगर उनकी उसी सेम लेवल के ऊपर जो है वो सेल्स आ जाती हैं तो फिर उनका जो है वो डेफिनेटली उनको ज्यादा लॉस होने का खतरा है. सो दिस इज बेसिकली द रिस्क इन दिस डिसीजन, और इस रिस्क को वो कैसे मैनेज करते हैं ये उनके जो है वो उनके करने की जरूरत है. अब हम ये देख लेते हैं कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ सेल्स द कंपनी वुड बी इंडिफरेंट. Would be indifferent mean they can choose any option. इन दोनों में से कोई सी भी option ले सकते हैं. अब आप जरा गौर करें यहां पर हम लोग कहते हैं कि let Q is equal to units sold. और हम लोग equation method को use करके हम ये कहते हैं जी के टोटल कॉस्ट व्हेन नॉट ऑटोमेटेड एंड टोटल कॉस्ट व्हेन ऑटोमेट. ओके, टोटल कॉस्ट क्या है जी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. यहां पे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है 21 मल्टीप्लाई बाय क्यू, हमने यूनिट्स निकालने हैं, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट है जी 1,80,000 की. इस सूरत में वेरिएबल कॉस्ट है 18, 3 रुपए कम हो गई थी, मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 2,52,000 की. ओके, जब हम लोगों ने इसको किया तो ये हमारे पास जो आ जाएगा 21Q और माइनस आ जाएगा 18Q इज इक्वल टू 2,52,000 माइनस 1,80,000. ओके, अब आप ये देखें जी कि क्यू इज इक्वल टू या 3Q इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी तकरीबन हमारे पास आ गया 72,000 जो के ऑटोमेशन की कॉस्ट है. अब ये और इसी के ये यूज करके क्यू इज इक्वल टू 72,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 24,000. अब ये जो 24,000 हैं दोज आर द बेसिकली यूनिट्स एट विच कंपनी वुड बी इनडिफरेंट विच एवर ऑप्शन दे वॉन्ट टू चूज. अगर तो
अगर तो ये 24,000 से इफ कंपनी फोरसी सेल्स अबव 24,000 यूनिट्स, अगर तो कंपनी को उम्मीद है जी कि उनकी 24,000 से सेल्स जो है वो ज्यादा रहेंगी, देन दे शुड ऑटोमेट, तो उनको ऑटोमेट करना चाहिए। अब अगर वो ये समझते हैं कि उनकी इफ कंपनी फोरसी सेल्स less than 24,000 यूनिट्स, अगर तो उनकी 24,000 यूनिट्स से क्या है कि कम है सेल्स, मीन उनकी 24,000 यूनिट्स से सेल्स कम रहने का अंदेशा है, देन दे शुड नॉट ऑटोमेट, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर 24,000 के ऊपर उनका जो है वो क्या होगा कि अगर वो इनडिफरेंट होते हैं, मीन वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर तो इससे ज्यादा सेल्स हैं तो फिर उनको ऑटोमेट में मोर प्रॉफिट इफ मोर देन 24,000 सेल्स इन ऑटोमेशन, अगर तो वो ऑटोमेशन में जाते हैं तो फिर उनका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन, लेकिन अगर उनकी सेल्स जो है वो 24,000 से कम रहने का जो है वो फोर्सी कर रहे हैं, अगर उनका खदशा है, तो फिर उनके लिए जो ऑटोमेशन होगी दैट विल जनरेट लेस प्रॉफिट और विल जनरेट लॉस, अगर वो इस पे जाते हैं तो फिर उनको क्या हो जाएगा, उसका लॉस होगा, क्योंकि उनका जो या फिर उनका जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा उस लिहाज से अगर वो ऑटोमेट में नहीं जाते हैं। सो उनकी रिस्क की असेसमेंट करने के लिए हम ये वाली कैलकुलेशन जो है वो मजीद कर सकते हैं कि एट दिस पॉइंट 24,000 यूनिट्स के ऊपर कंपनी वुड बी इनडिफरेंट बाय चॉइस ऑफ वेदर ऑटोमेशन और वेदर नॉट टू ऑटोमेट। प्रपोज प्लान जो है वो हमारा 24,000 यूनिट से अगर ज्यादा जो है वो सेल्स होंगी तो हमारे पास जो है वो ग्रेटर प्रॉफिट्स आएंगे, और अगर हमारे पास जो है वो कम सेल्स होंगी 24,000 से, 24,000 से लेस अगर हमारी सेल्स होंगी इन अ मंथ, तो देन जो प्रेजेंट प्लान है वो हमारे पास जो है वो जो इस वक्त मौजूद प्लान है जिसमें नॉट ऑटोमेशन की जो है वो ऑप्शन है कि हमें ऑटोमेट नहीं करना चाहिए, वो हमें जो है वो ज्यादा प्रॉफिट देगा और उसके मुकाबले में बनिस्बत जो दूसरे प्लान के। तो मैं इनको समराइज कर देता हूं, इफ सेल्स आर मोर देन 24,000 एक्सपेक्टेड, देन न्यू प्लान विल जनरेट मोर प्रॉफिट, सो इट इज प्रपोज्ड। तो प्रपोज्ड प्लान जो होगा वो जो है वो टू ऑप्ट, तो वो अडॉप्ट करना चाहिए, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट क्या है, इफ सेल्स आर लेस देन 24,000, अगर तो सेल्स 24,000 यूनिट से कम एक्सपेक्टेड हैं, देन द करंट प्लान विच इज ऑफ नॉट ऑटोमेशन शुड बी अडॉप्टेड।
because it will generate more profit. तो ये ज्यादा प्रॉफिट जो है वो हमें जनरेट करेगा अगर हम लोग जो है वो उस तरीके से चलते हैं तो इसलिए हमें ये देखना है कि अगर हम अपने रिस्क को देखते हैं तो हमें फिर ये वाली कैलकुलेशन जो है वो करनी चाहिए कि हमें किस लेवल के ऊपर जो कंपनी है वो इनडिफरेंट होगी अपने चॉइस ऑफ प्लान के ऊपर कि हमें वो कौन सा प्लान जो है वो चूज करना चाहिए और कौन सा प्लान जो है वो चूज नहीं करना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल को यूज करके हम एक ब्रेक इवन एनालिसिस मॉडल किस तरीके से बना सकते हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा और आप एमएस एक्सेल को ब्रेक इवन एनालिसिस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग इसको समझते हैं। मैं आपके साथ जो है वो एक्सेल की एक शीट शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है वो एक शीट जो है वो शो की है और उसमें मैं सबसे पहले अपना बेसिक डाटा जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो यूनिट सेल जो है, जैसे मैंने एक अपने पास से एक एग्जांपल जो है वो अज्यूम की है, जो आप समझने के कुछ डाटा जो है वो मैंने उसी एग्जांपल का लिया है जो कि मैंने आपके सामने की है। तो उसमें मैंने ये कहा कि यूनिट सेल्स हैं 24,000, फिर यूनिट सेलिंग प्राइस है दैट इज 30 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 21 पर यूनिट और फिक्स एक्सपेंसिस हैं 1,80,000। तो ये मैं इनके बेसिक जो है वो डाटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इनकी जो सीएम रेशियो और वेरिएबल एक्सपेंसेस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे सीएम कैलकुलेट करना है। तो सीएम कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे मुझे चाहिए उसकी सेलिंग प्राइस, तो मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल का साइन दबा दूंगा। ये मैं अपने कीबोर्ड से इक्वल का साइन दबाया और जो मेरी सेलिंग प्राइस है मैंने इसके ऊपर कर्सर दिया और एंटर कर दिया, इससे मेरे पास सेलिंग प्राइस यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो जब मैं इक्वल का साइन दबा के किसी भी सेल पे लेके जाता हूँ तो एक्सेल में जो वो सेल वहाँ पे कॉपी हो जाता है, वो वहाँ पे जो है वो आप समझ लें कि रेप्लीकेट हो जाता है। अब मैं इसी तरीके से वेरिएबल एक्सपेंसिस को भी रेप्लीकेट कर लेता हूँ, तो पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास दिए हुए हैं तो मैंने इक्वल टू साइन B6 ये वाले सेल का रेफरेंस दे दिया है। तो मैं बेसिकली ये सेल को रेफर कर रहा हूँ, वहाँ पे रेफरेंस कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ सेल को। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू सेल प्राइस, ये मेरी सेल प्राइस है, मैं इसको B12 के सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, इस पे कर्सर लेके जाऊंगा माइनस, और इसमें से मैंने वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट जो है वो माइनस कर लिए हैं, तो ये मेरे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया है। तो इस तरीके से मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट कर सकता हूँ, ऊपर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ पे अपने बेसिक डाटा के अंदर, लेकिन जो कि मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो सिंपली मैंने क्या किया है, टोटल सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया और मैंने एक्सेल का फॉर्मूला यूज किया है फॉर कैलकुलेटिंग दिस। फॉर्मूला क्या है मैं दोबारा से बता देता हूँ, इज इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस वाला जो फिगर है उसका सेल है माइनस ये जो बी जो है वो 13 सेल जो है जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाला सेल है इसको मैंने किया, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब नेक्स्ट आ जाता है जी सी एम रेशो। सी एम रेशो का जो फॉर्मूला मैंने आपको मैनुअली बताया था उसी को ही मैं यहाँ पे एक्सेल में अप्लाई कर लेता हूँ, इज इक्वल टू CM पर यूनिट, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है B14 के अंदर, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड डिवाइड का साइन दबाऊंगा और फिर उसके बाद मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए, तो ये मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, या मैंने इसके साथ किया तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 30% आ रहा है, अगर मैं इसका परसेंटेज खत्म कर दूंगा, इसको मैं नॉर्मल डिजिट बना दूंगा तो ये 0.3 आंसर आएगा, तो 0.3 आंसर को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये ऊपर आपको नजर आ रहा है परसेंटेज का साइन, तो इसको मैं दबाऊंगा तो ये मेरे पास परसेंटेज हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं अगर कॉमा का साइन दबाऊंगा तो ये एक नंबर फॉर्मेट आ जाएगा, ये अगर मैं परसेंटेज दबाऊंगा तो ये परसेंटेज फॉर्मेट आ जाएगा, अगर मैं इसको करेंसी दबाता हूं तो ये मेरे पास डिफरेंट करेंसी जो है वो अवेलेबल है, तो मैं करेंसी साइन भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने ऊपर जो है वो यहाँ पे फॉर्मेटिंग में इसी तरीके से ये $30 करेंसी साइन लिया है, $21 करेंसी साइन लिया है, सिंपली मैं यहाँ पे 30 लिखूंगा तो ये $30 हो जाएगा, यहाँ पे मैं 21 लिखूंगा तो ये $21 हो जाएगा, और इसी तरीके से 1,80,000 करूंगा तो 1,80,000 डॉलर्स हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, इसका डॉलर फॉर्मेट लगा दिया हुआ है इसको। ओके, अब मैं लगा देता हूँ वेरिएबल एक्सपेंस रेशो।
वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो क्या है, इज इक्वल टू, ये मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं पर यूनिट डिवाइडेड बाय मैं जो सेल्स है उसको करूंगा तो एंटर करूंगा तो ये 0.7 आंसर आ गया। अब मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूं तो मैं इसको परसेंटेज कर देता हूं तो ये 70% आ गया। तो ये मैं पर यूनिट फिगर लेके कर रहा हूं, अदरवाइज मैं टोटल मेरे पास फिगर्स होंगी तो मैं टोटल फिगर्स के साथ भी ये वाली सारी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता हूं। तो मीन मेरे पास जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट चाहिए मुझे, फिर उसके बाद जो है वो मेरे पास सीएम रेशियो क्या चाहिए वो मुझे, वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, फिर वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो चाहिए मुझे, ये भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, जो बाद में मैं इस्तेमाल करूंगा इन्हीं बेसिक चीजों को। अब मैं ब्रेक इवन सेल्स निकालना चाह रहा हूं यूनिट्स के अंदर, तो फिर मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू फंक्शन का जो है वो होता है एक्सेल के अंदर इक्वल टू, तो फॉर्मूला मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये मेरी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है B7 के अंदर, तो ये मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये मेरे फॉर्मूला के मुताबिक कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है क्या है मेरे पास B14 के अंदर है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसके ऊपर कर्सर लेके इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास 20,000 यूनिट्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और मैंने इसके कॉमास को खत्म करने के लिए और कॉमास के जो है वो साइन को या इसके डेसिमल पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए मैंने ये फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, मैं जब कॉमा को दबाऊंगा तो ये नंबर फॉर्मेट हो जाएगा। अब इसी तरीके से मुझे ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स चाहिए, तो मैं आप कोई भी फॉर्मूले के मुताबिक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूला में ले जाता हूँ इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, तो ये मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैलकुलेट किए है दैट इज B16, तो B16 सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो मैं इसको करूंगा तो ये मेरे पास 6 लाख की ये डॉलर साइन के साथ इसलिए आ रही है कि मैंने इसका फॉर्मेट करेंसी फॉर्मेट किया हुआ है इस लिहाज से। अब उसके बाद मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करूंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक तो करंट सेल्स चाहिए और उसमें से मुझे ब्रेक इवन सेल्स चाहिए। अब अगर मैं करंट सेल्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो यहां पे भी कैलकुलेट कर सकता हूं इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय ये पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, ये किया तो इसके साथ B4 मल्टीप्लाई बाय B5 किया तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा 7,20,000 की फिगर आ जाएगी। अब मैंने इसको क्या किया है करंसी किया तो ये देखें ये आपके पास 7,20,000 की ये फिगर आ गई और मैंने इसके डेसिमल को मैनेज कर लिया तो ये होल नंबर में मैंने लिख लिया तो ये मेरे पास आ गया 7,20,000 डॉलर्स, ये मेरी सेल्स आ गई। अब इसी को ही मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यूज करके यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है इज इक्वल टू जो रेगुलर सेल्स हैं ये सेल्स हैं माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो ये अभी मैंने ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स में कैलकुलेट की हैं 6 लाख की, जब मैंने इसको किया तो ये मेरे पास 1,20,000 की फिगर आ गई जो कि करेंसी साइन के साथ है जो कि मैंने डॉलर्स में लिख ली। अब मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स डॉलर्स डिवाइडेड बाय वही वाले फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो मैं आपको मैनुअल बताया था, ये टोटल सेल्स आपने जब एंटर किया तो ये 0.17 आएगा 0.17, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं परसेंटेज की फॉर्मेट में चला जाऊंगा तो ये 17% आ जाएगा, इस लिहाज से मेरे पास ये वाली एक कैलकुलेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेल्स की फिगर लिखता हूँ इज इक्वल टू जो मैंने ऊपर सेल्स की फिगर कैलकुलेट की थी, मैं इसको कर लेता हूँ, ये मेरे पास सेल्स आ गया। अब इसी का ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन वेरिएबल एक्सपेंसेस ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, जो भी सेल्स हैं उसका मेरा जो है वो 70% वेरिएबल एक्सपेंसेस है, ये मैंने रेशियो इसीलिए कैलकुलेट की है कि ये मैं इसको यूज करूंगा, तो ये मैं क्या करता हूं इज इक्वल टू जो भी मेरी सेल्स होगी विच एवर इज द सेल ये वाली जो भी अमाउंट आएगी मल्टीप्लाई बाय जो मेरी ये वाली रेशियो है मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस टोटल आ जाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय सी वेरिएबल कॉस्ट की वेरिएबल एक्सपेंसेस रेशियो दैट इज 70% जो मैंने B17 सेल के अंदर लिखी हुई है, मैंने इसको किया तो ये मेरे पास 5,04,000 आ गया। जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया इज इक्वल टू दिस माइनस दिस किया
तो ये मेरे पास आ जाएगा 216,000, और इसको मैंने डॉलर साइन के साथ कर दिया तो ये 216,000 डॉलर्स आ गई अमाउंट। ओके जी, फिर उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट है, ये ऊपर मेरे पास गिवन है, ये मैं इसका सेल का रेफरेंस दे दूंगा तो ये मैंने वहां पे रेफर कर दिया, तो इस लिहाज से मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वाली अमाउंट आ गई 180,000 की, यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। अब मेरे पास आ जाती है नेट इनकम, तो नेट इनकम इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो ये मैंने किया तो ये 36,000 की ये मेरे पास जो है वो नेट इनकम आ गई। तो इस तरीके से मैंने इसकी करंट इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम को कैलकुलेट कर लिया। अब चूंकि ये मैंने क्यों कैलकुलेशन की है, क्योंकि मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो इस सिचुएशन में मैंने अभी कैलकुलेट किया 216,000, डिवाइडेड बाय नेट इनकम ये 36,000। जब मैंने इसको किया तो ये मेरे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया 6.06 times। ओके, अब मैं कोई भी इनमें से फिगर कैलकुलेट करूंगा, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूं कि कोई से भी परसेंटेज चेंज इन सेल्स करता हूं और उसके मुताबिक कितने परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट होगा तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सपोज मैं यहां पे कहता हूं ये 15% है और ये चेंज इन प्रॉफिट क्या आएगा इज इक्वल टू दिस जो भी चेंज इन सेल्स परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। जब मैं इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास यहां पे 90% की फिगर आ जाएगी। अब मैं इसकी आपको प्रूफ बता देता हूं ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 15% सेल इंक्रीज कर ली है, तो 720,000 का 15% मैंने इंक्रीज किया तो ये इज इक्वल टू आएगा दिस मल्टीप्लाई बाय 1.15 का मतलब क्या होता है 15% इंक्रीज, या फिर 115% भी आप लिख सकते हैं, B28 मल्टीप्लाई बाय 115%, तो ये मेरे पास 828,000 की ये आ गई। इसी तरीके से ये वेरिएबल कॉस्ट भी उसी लिहाज से 15% इंक्रीज कर जाएगी इज इक्वल टू इस मल्टीप्लाई बाय 115%, तो ये मैंने इसको किया तो ये भी आ गया उसी तरीके से। और जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया इज इक्वल टू दिस सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 248,400, और ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस चूंकि यही हैं तो इसलिए मैंने इक्वल टू करके यही वाले यहां पे लिख लिए तो ये 180,000 आ गए। और इसी लिहाज से अगर मैं इसकी नेट इनकम की बात करता हूं तो इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ये नेट इनकम आ गई। अब मैं जरा इसकी चेंज देख लेता हूं, इज इक्वल टू ये वाली अमाउंट बड़ी थी, इसमें से जो ओरिजिनल अमाउंट थी ये थी, ये मैंने माइनस की तो ये 108,000 की चेंज आ गई। सेम फॉर्मूला मैंने नीचे कॉपी किया तो ये वही वाली अमाउंट जो है वो यहाँ पे भी आ गई, और सेम वही वाला फॉर्मूला जो है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, सेम यही वाला कंट्रोल सी तो यहाँ पे किया तो ये भी वही उसी तरीके से मेरे पास जो है वो अमाउंट आ गई, आप समझ लेंगे 32,400 की। तो ये 32,400 की जो अमाउंट है ये बेसिकली क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में चेंज है, और कॉस्ट में चूंकि चेंज कोई नहीं आ रही है, जो पहले कॉस्ट थी वही कॉस्ट अभी भी है, तो इसलिए ये जीरो चेंज है। और इसी तरीके से नेट इनकम 32,400 की चेंज आ रही है। अब आप जरा गौर करें जी, हमारे पास जो कितनी चेंज इन सेल्स हुई है तो इज इक्वल टू ये चेंज है डिवाइडेड बाय जो करंट सेल्स थी वो किया तो मैंने एंटर किया तो ये 15% आ गया। जवाब बेसिकली आना है इसका 0.15, जिसको मैंने परसेंटेज के में एक फॉर्मेट में किया तो ये 15% हो गया। तो इसी लिहाज से ये वाली भी चेंज जो है वो उसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट भी 15% चेंज होगी और उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 15% हमारा चेंज होगा। अब आप जरा गौर करें कि हमारा प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है, तो ये हमने कहा जी कि इज इक्वल टू ये चेंज इन प्रॉफिट था जो कि कितनी इंक्रीज आई है प्रॉफिट में, वो है 32,400 की डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल प्रॉफिट था दैट वाज 36,000, और जब मैंने इसको किया तो ये मेरे पास जो जवाब आएगा दैट इज 0.9, जब मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो दैट इज 90%। तो अब आप जरा गौर करें कि हमने कहा था 15% अगर सेल्स बढ़ाएंगे तो 90% जो है वो इनकम बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे यही हमने प्रूव करने की कोशिश की है कि 90% वाकई इनकम बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो सिंपली हमने कहा कि ये 90% बढ़ रही है।
अब अगर इसकी सिंपल कैलकुलेशन करता हूं, ये मैं सारा काम नहीं करता, सपोज जिसको मैंने हाईलाइट किया ये मैं नहीं करता, मैं सिंपली यही वाली दो कॉलम्स को लेके आपको साबित करने की कोशिश करता हूं, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय, इसको करूंगा ओरिजिनल अमाउंट को, तो आप अगर गौर करें ये 1.9 आ गया, इसको मैंने परसेंटेज में किया तो ये 190% आ गया। ये वाली 36,000 की अमाउंट है ये 100% है, और ये कितनी आ गई है, ये उसका 190% है, तो कितने परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 90%, तो जो यहां पे हमें नजर आ रहा है कि 90% इंक्रीज कर जाएगी अगर हम 15% अपनी जो है वो इनकम चेंज करें, अपनी सेल्स चेंज करेंगे तो। अच्छा, अब ये हमारे पास एक मॉडल बन गया है, अब इसी मॉडल को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने कोई सी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी लिहाज से हम लोग ब्रेक इवन की चेंजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि अब यूनिट जो है वो 24,000 की बजाय 30,000 हो गए हैं, और प्राइस जो है वो हम लोगों ने, अब आप जरा देखें 30,000 ये चेंज हुई तो सेल्स भी चेंज हो गई, जब सेल्स चेंज हुई तो आप जरा गौर करें कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 33% हो गया, यहाँ पे आप जरा गौर करें कि ब्रेक इवन सेल्स वही रही, क्योंकि उसका जो यूनिट सेल्स है और यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वो चेंज नहीं हो रही। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि ये 10% सेलिंग प्राइस बढ़ गई है, मीन ये 33 हो गई है, तो जब ये 33 होगी तो अब आप जरा गौर करें कि इनकी जो CM रेशियो है वो चेंज हो गई है, पहले 30% थी अब 36% हो गई है, और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट पहले 70% थी अब 64% हो गई है, और इसी लिहाज से मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले जो था वो 13% था, अब कितना हो गया है, 50% हो गया है। इसी लिहाज से यहाँ पे जब आप गौर करें कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पहले 6 था अब 2 हो गया है, तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज करने से हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज चेंज हो गया है। सपोज मैं इसको 24,000 ही रहने देता हूं, अब आप जरा गौर करें कि सिर्फ एक फैक्टर चेंज हुआ है, दैट इज क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने चेंज की वो 30 से 33 कर दी, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी था वो भी चेंज हो गया, और प्लस इसके बाद हमारी जो है वो जो आप समझ लो कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वो भी चेंज हो गया, और उसी लिहाज से हमारी परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट की जो फिगर आती है वो भी जो है वो चेंज हो गई। अब मैं इसकी जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको जो है वो करके बताता हूँ। ये हम कहते हैं ये 240,000 हो गई है, तो फिक्स कॉस्ट, और ये यही वही 30 है। अब मैंने यहाँ पे कॉस्ट सेम रहने दी वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया है। जब फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज की है तो आप जरा गौर करें कि हमारे पास जो CM रेशियो है वो 30% and 70% ही रही है, क्योंकि हमारी वेरिएबल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आप जरा गौर करें, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 6 लाख से 8 लाख चला गया है, और ब्रेक इवन यूनिट्स जो हैं वो पहले से ज्यादा हो गए हैं, और हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो नेगेटिव हो गया है। क्यों नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमारी जो सेल्स कम है और वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो गई है, या आप समझ लें कि फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से हमारा क्या हो गया है, ये जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव चला गया है। और आप जरा देखें कि हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम की बजाय लॉस हो गया है, और उससे हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू नेगेटिव हो गई है। ये नेगेटिव वैल्यू को मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप उलट हो गया है। आपके पास जो लॉस आ गया ना, जब तो लॉस में फिर आपका जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए आपने इसको घबराना नहीं है। वो 9 times ही है, लेकिन उसकी वो सिर्फ डायरेक्शन ये बता रहा है कि वो इनकम नहीं है बल्कि लॉस है, तो इसलिए इनकम और जब को कन्वर्ट लॉस में होने की वजह से इसका साइन जो है वो नेगेटिव हो गया है, इसलिए ये जो है वो नेगेटिव जो है इसकी साइन वो आप इग्नोर कर दें और सिर्फ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को देखें तो वो 9 times ही है। तो 15 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 135% चेंज आएगा। वो डिक्रीज है या इंक्रीज है, ये नेगेटिव साइन डिक्रीज इंक्रीज को बता रहा है, तो इस लिहाज से कर सकते हो इस तरह का एक शीट बना के, एक मॉडल बना के ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए, तो आप ये सारे काम कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग इन तमाम कैलकुलेशंस को समझ के होंगे, और आप इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अब अपने तरीके से कर सकते होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं, आप उनसे उनको जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।